कहने को तो भारत में अब बहुत सारे स्पोर्ट्स को हाथों हाथ लिया जा रहा है और आईपीएल प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंट्स के आने के बाद खिलाड़ी ही नहीं फैंस भी दूसरे खेलों में रुचि ले रहे हैं और दूसरे खेलों और खिलाड़ियों को भी सराहा जाने लगा है। लेकिन आज भी भारत में फुटबॉल और खासकर महिला फुटबॉल को वो मुकाम नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं। और ऐसे में तमिलनाडु के छोटे से गांव से निकलकर अगर कोई महिला फुटबॉल में खुद की अलग पहचान बना ले तो उसमें कुछ तो बात होगी और उसकी कहानी आसान भी नहीं होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंदुमती की। इंदुमती, जिनका नाम शायद ही हमने कभी सुना होगा या कभी देखा होगा। आज की ये वीडियो एक भारतीय प्रोफेशनल फुटबॉलर इंदुमती कीर्ति रेसन की है, जिन्होंने कठिन समय और बहुत ही कम रिसोर्स के साथ भी अपने सपने को मरने नहीं दिया और खुद को साबित करके दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कैसे भी कठिन परिस्थिति हो। तो बात कुछ ऐसी है, इंदुमती भारतीय महिला फुटबॉल में एक उभरता हुआ सितारा थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान उनका नाम भारतीय फुटबॉल टीम से अचानक गायब हो गया, वो भी बिना किसी कारण के। और जब उनको इसका पता चला तो उन्होंने वो सब किया जिससे उन्हें टीम में वापस जगह मिले और इस वजह से उनकी सिलेक्टर के साथ अनबन भी हो गई, जिस वजह से उनका भविष्य ही खतरे में पड़ गया था। उनका सपना, उनका प्यार और करियर, हर चीज दांव पे लग गई थी जिसे वो पसंद करती थी। इतनी परेशानियों और फेल्ड अटेम्प्ट के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इतना ही नहीं, उनके अगेंस्ट बहुत सारी नेगेटिव बातें भी फैलाई गईं। इन सब के बावजूद वो तमिलनाडु पुलिस में अपने काम को ईमानदारी से करती रही और अपने खेल पे लगातार काम करती रही। इन्होंने अपनी आलोचना को सुनने की जगह अपने पर काम किया। इनकी जगह अगर कोई और होता तो शायद इन सबसे टूट चुका होता। खुद से, समाज से और सिस्टम से लड़ते हुए इंदुमती ने राष्ट्रीय टीम में फिर से वापसी की और अपने खेल से उन्होंने टीम को वो मजबूती प्रदान की जिससे अब उनके बिना टीम की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। इन्हें गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब के रूप में एक ऐसा घर मिला जहां उन्होंने खुद को साबित किया और अपनी टीम को भारतीय महिला लीग में जीत दिलाई और लगातार तीसरी बार चैंपियन बनकर सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और सीनियर महिला फुटबॉल टीम में वापसी की। फैंस और अधिकारियों ने अपनी खिलाड़ी का खुली भाव से स्वागत किया और अब इंदुमती किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। फुटबॉल के मैदान से दूर इंदुमती की कहानी मानवता और न्याय की है, क्योंकि सरकारों द्वारा की गई खोखले अनाउंसमेंट के खिलाफ वो बोलती है जो सरकारों ने कभी पूरी ही नहीं की। और इसी वजह से इंदुमती का सिस्टम से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है जो उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। वैसे ये लड़ाई सिर्फ इंदुमती की नहीं है, ये हर उस खिलाड़ी की लड़ाई है जो सिस्टम के अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इंदुमती ने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे दूसरी खिलाड़ियों के लिए भी लड़ी है जो सिस्टम और सोसाइटी के सामने बेबस हो जाती हैं और समझौता कर लेती हैं। आज इंदुमती का करियर फिर से परवान चढ़ रहा है और वो महिला फुटबॉल से दर्शकों को जोड़ने के लिए भी नियमित रूप से प्रचार प्रसार कर रही हैं, ताकि भारत में महिला फुटबॉल को भी वो सम्मान मिले जो क्रिकेट को मिलता है। इंदुमती की कहानी हमें ये सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, साहस और आत्मविश्वास के साथ कोई भी किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इंदुमती कहती है, मैंने संघर्ष किया है और इसलिए संघर्ष से की गई मेहनत से मेरे सारे पुरस्कार मेरे पास वापस आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं, जो बिन बताए बिन बुलाए कभी भी और कहीं भी आ सकती है। कुछ लोग उन मेहमानों के साथ डील कर लेते हैं और कुछ उनसे परेशान होकर टूट जाते हैं। चुनौतियों से भरी पड़ी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और एक उम्मीद देते हैं कि जिद और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड और आत्मविश्वास के साथ हम भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में महिला फुटबॉल को वही शोहरत मिले जो क्रिकेट को मिलती है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि और लोगों को भी इंदुमती की स्ट्रगल के बारे में पता लगे। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।